वो सर ऐसा है कि कोई भी मस्जिद मस्जिद ये मुसलमानों के तमाम कानून में लिखा हुआ है कि गलत जगह पर बन ही नहीं सकती, अगर बनेगी तो नमाजी नहीं होगी। और वो मजारिटी मुसलमानों की नमाज पढ़ ही नहीं सकती वहाँ पर, वो तो जिन्होंने जैसा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद। तो सुनिए, उतना इतना गलत, इतना झूठ, इतना इतना फरेब, इतना धोखा बोलते हैं कि मस्जिदें मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं। ऐसा जानते हैं पूरे दुनिया का कोई मुसलमान इसको नहीं मानेगा ऐसा तोड़ने पर। मंदिर तो छोड़िए, किसी गैर मुस्लिम का अगर ज़मीन को ले करके मस्जिद बनाई जाएगी तो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, ये कानून में है। वो तो सब इल्ज़ामात हैं। और जनाब आली, वो आरएसएस ना हिंदू का दोस्त है ना दुश्मन, वो सत्ता है ना इख्तदार का दोस्त है। वो हिंदू को भी ज़बह किया सुप्रीम कोर्ट का जज को, मुसलमान तो मारे ही जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है, हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब के ख़िलाफ़ बात है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लूट करके और फलाना और ढमका, ये सब हिंदुस्तान के उनका जो माशी इकोनॉमिक्स पावर ख़राब कर दिया है। और लेकिन बाबा जी वहाँ पे तो शिवलिंग निकला है ना सर्वे में। बाबा शिवलिंग निकालना क्या, मैं तो जामा मस्जिद के नीचे निकाल दूंगा, रात को खोद करके छुपा दूंगा और कल सुबह को निकाल दूंगा। कड़ी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर सर्वे हुआ, ऐसे थोड़ा ही कोई भी जाएगा और वहाँ पे निकाल देगा। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा लेकिन नहीं समझे आप। ऐसी जो ज़मीन के मुसलमानों से लूट करके मस्जिद बनाई जाएगी, कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर किसी दलित किसी की जमीन, अरे वो पहले किया गया, अब के मुसलमानों को तो पता भी नहीं है। मालूम होना चाहिए कि ये कुरान शरीफ उतरा है 1400 साल से, बहुत पुराना, उसमें ये कानून लिखा हुआ है। पहले का होगा और बाद में का होगा। आपको मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, आपको इस्लामी ला, इस्लामी कानून, इस्लामी थ्योरी का आपको इल्म नहीं है। इसलिए मीडिया, आप नहीं, मीडिया वाले अंधाधुंध चिल्लाता है। वो लोग को हिदाया अवलैन, हिदाया आखरैन, बुखारी शरीफ और कुरान की तफसीर हिंदी इंग्लिश में पढ़ना समझना चाहिए, समझा ही नहीं। वो तो आप खड़े हैं, कहे खड़े हो, बस चार लाठी में जमा दिया आपको। ये सब जुल्म है। और इसको वो मरेंगे ना, उसके बाद में पता चल जाएगा उनको। ये चंद दिन का अपना सत्ता और इख्तदार, और हिंदुस्तान को तो तबाह कर दिया, ना हिंदू की नौकरी ना मुसलमान की। न्यायालय में मामला है, क्या आप उसका स्वागत करेंगे कि वो किसी के भी पक्ष में आए? एक मिनट, न्यायालय के बारे में देखिए, यहाँ पर समझिए, मैं अभी कहूँगा कि रात है न्यायालय में, अच्छा आप मान लेंगे? न्यायालय को तौला जाएगा कि इंसाफ के तराजू में सही बोला है या गलत। न्यायालय वो कोई खुदा नहीं है, यहाँ बात समझिए। अभी मैं दिन को रात कह दूंगा तो नहीं मानिएगा। इसी तरह से न्यायालय को भी तौला जाएगा, क्योंकि जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जो वर्सेस जीनियस इमामुल मौलाना आज़ाद, उन्होंने लिखा है कि मैदान जंग के बाद सबसे बड़ा जुल्म इसी अदालतगाह ने किया है। जुनू चुरानचे गलीलियों को इसने मुराया, इसी तरह से बकरात को सभी ने। तो अदालत को ये 10-20 करोड़ हिंदू मुसलमान हैं, वो अदालत को तोड़ नहीं सकते हैं। अदालत के जो जज हैं उससे भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद यहाँ पर हैं। लेकिन मानने तो अदालत ही फैसला जो दिन को मान लेता है मजबूरी में, मजबूर ये। लेकिन ये अल्लाह का इंसान, आप क्या मानते हैं वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद थी? मंदिर, आपने नहीं समझा हमारी बात को। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मुसलमान से ज़मीन को लेकर के, हिंदू से ज़मीन को लेकर के, ईसाई से ज़मीन को लेकर के, यहूदी से ज़मीन को लूट करके अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी शायद नहीं पढ़ेगा, तो अल्लाह मियां उसको कबूल नहीं। वहाँ पर तो अलग अलग सर्वे में तथ्य निकल कर आ रहे हैं ना, कहीं पर तस्वीर निकल रही है, कहीं पर शिवलिंग निकल रहा है। मालूम नहीं है हिंदुस्तान का सर्वे और शिवलिंग और जालसाजियाँ इतना बेशुमार हिस्ट्री के अंदर आ चुका है, और झूठों का पलिंदा इतना जमा हो चुका है कि उसको आप याद भी नहीं रख सकते हैं। वो रोज वो तो कहीं भी निकाल देंगे, मक्का मदीना में भी शिवलिंग निकाल देंगे। अच्छा। जी कुछ भी कर सकते हैं। बिगड़ती है जब जालिम की नीयत नहीं काम आती है दलील हुज्जत, याद रख लो बेटा, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत नहीं काम आती है दलील हुज्जत। क्या आरएसएस से पहले बीजेपी से पहले हिंदुस्तान नहीं था? ये उन्होंने बात को दबा के रखा हुआ था वोट बैंक के लिए। नहीं नहीं, वो वोट बैंक तो ये कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, और माशी हालत को बुरा तरह से। आरएसएस तो एक संगठन है, संगठन तो बीजेपी। वाह, वो उसी के दो चेहरे हैं। अच्छा। जी उसी के दो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक नहीं मानेंगे। एक मिनट,
एक मिनट, ठीक है, सच्ची झूठी बात नहीं मानेंगे, सच्ची बात तो आपका जूता मैं उठा लूंगा, अभी मैं जूता उठा, सच आप कहोगे रात को दिन तो नहीं मानूंगा, और दिन को रात, और सच कहेंगे नहीं अभी दिन है, आपका आपका जूता हमारे सर पर। असदुद्दीन वैसे वैसी जाहिल आदमी है क्या, बैरिस्टर है, वो ऐसी बात बोलता है कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। अंधाधुंध अंधाधुंध काम करने वाली पार्टी एक ही है बीजेपी आरआरएसएस। मुस्लिम पक्ष के लोग ही कहते हैं कि वो तो राजनीति करते हैं लगातार, कौन भड़काऊ भाषण। एक मिनट, आप भड़काऊ बात बोले सच्ची, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप भड़काऊ बात नहीं बोले, लेकिन झूठी है, बेकार है भड़काऊ बात। असदुद्दीन क्या किया, सबसे भड़काऊ तो वो है जो सत्ता पर बैठा हुआ है और रोजाना कत्ल गारत हो रही है, मालो दौलत लूटा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो पहले था उसको दोबारा लाया जाएगा, जो दबाए गए थे, जो तोड़ तोड़ कर बनाए गए थे उसको दोबारा लाया जाएगा, उनका कहना ये है। लाया जाएगा नहीं, बल्कि ये साजिश है और ये षड्यंत्र है। किसकी साजिश है? आप मीडिया वाले हैं, आप समझते नहीं इतना? नहीं, आप बताइए ना किसकी। जाहिर सी बात है, ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। अच्छा जी जनाब, तो क्या दबाया जा रहा है? है? आप लोगों को दबाया जा रहा है? दबाया ही नहीं, कत्ल किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आपने गुजरात में नहीं देखा कि भारी जिसका बच्चा था पेट में उसको निकाल करके जान मार दिया गया? आप मीडिया के हैं, आप सब जानते हैं, आप क्वेश्चन सिर्फ करते हैं, ऐसा कि नहीं जानते हैं, सब जानते हैं आप। और जागीरपुरी में दंगे हुए पथराव हुआ था, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो वहाँ पर निकाल रहे थे शोभा यात्रा, उसके ऊपर पथराव किया गया। देखिए आप सुनिए, पथराव जरा सा एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, पथराव आप निकाले, पथराव कोई उसी में से कोई कर देगा, मुसलमान हिंदुस्तान का पथराव इसलिए नहीं करेगा कि ये डरा और सहमा हुआ है। मैं बूढ़ा हूँ 70 साल का, आपसे मैं भिड़ जाऊँगा? नहीं भिड़ूंगा, क्योंकि आप जवान हैं। तो पथराव वही करते हैं ताकि साजिश करके मुसलमानों के गर्दन को काटा जाए। ये साजिश थी बिल्कुल।